ये बात बिल्कुल ठीक है, मारुति की बिल्ट इन क्वालिटी में उसमें आना भी चाहता था कि बिल्ट इन क्वालिटी में उसमें काफी उन्होंने अब कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। वैसे एक बात बताओ कि वैगन आर जाते जाते कुछ देखे गई या? सीएम रख सकता है तो मैं भी रख सकता हूं। अपना अपना सामान लेके हाथ में नहीं गोद में रखना पड़ेगा आपको। अच्छा ये बाती बाती की आप लोगों को नॉइस सुनाई दे रही होंगी, तो हम लोग रोड के साइड में हैं। दिल्ली में भाई साहब खाली जगह ढूंढना जो है वो बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों, वैसे हमें यहाँ पर बुलाया था धीरज ने, जो कि हमारे सब्सक्राइबर मित्र, उन्होंने बुलाया था। उनके पास ये गाड़ी भी है और महिंद्रा मोजो आती थी, आपको पता होगा कि टूरिंग बाइक है, अभी भी आती है शायद BS6 के अंदर। तो हालांकि इस गाड़ी का पूरा एक्सपीरियंस, जो क्योंकि अंकल जी ही ज़्यादा रखते हैं इस गाड़ी को, तो वो बताएंगे कि ये गाड़ी उन्होंने क्यों ली। अरुण नाम है इनका, तो थैंक यू सो मच, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो आप हमें और लोगों को पता चलेगा। वैसे एक साल हुआ ही है, अभी जस्ट एक साल ही हुआ है ना कंप्लीट। VXI ये वेरिएंट है, पेट्रोल वेरिएंट है ऑफकोर्स। तो जब आपने ये गाड़ी ली थी, तो पहली बात तो ये कि ये ही क्यों चूज़ करी, इससे पहले कौन सी गाड़ी आप चलाते थे? इससे पहले मैं वैगन आर चला रहा था, और जब चेंज करने का टाइम आया, क्योंकि उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया था 15 ईयर्स, तो डीजल पे जाने की ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे को रेगुलर यूज़ में मेरी गाड़ी नहीं है जी, तो पेट्रोल मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगी। पेट्रोल का सा और आगे आना टाइम भी वैसे पेट्रोल का ही है, और CNG और इलेक्ट्रिकल का है। तो लेकिन अब फिर अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैंने 5 सीटर की जगह 6 सीटर प्रेफर की, क्योंकि उस टाइम ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। अच्छा जी। और मेरी रिक्वायरमेंट्स, जो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स थी, वो पूरी कर रही थी। मतलब आपने 15 साल जो है वो वैगन आर चलाई थी। भाई कुछ भी कहे कोई, मारुति ने भरोसा तो कमाया है, ठीक है। 15 साल मारुति चलाने के बाद फिर से ये मारुति लेकर के आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो भी 7 सीटर, वेरी गुड। तो XL6 नहीं आई थी इस टाइम? नहीं, उस टाइम मैं XL6 नहीं आई थी, उसके बाद लॉन्च हुई है वो, इंट्रोड्यूस की थी उन्होंने। अच्छा जी। तो उसके मेरे ख्याल 2-3 महीने बाद आई है XL6। तो उस टाइम पे आपकी जो है मराजो भी थी महिंद्रा की? मराजो थी, लेकिन मुझे कहीं उसको इम्प्रेस नहीं कर पाई मुझे वो। अच्छा। और दूसरा, वो सबसे बड़ा डीजल पे थी ना, तो डीजल मेरे को यूज़फुल नहीं लग रहा था। एक साल के अंदर कितनी चली है ये अभी? 6200 चली है। तो एक साल में 6000 चलाने के ऊपर, तो फिर तो डीजल में जाना वो भी नहीं बढ़ता। आपको सच में 7 सीटर की रिक्वायरमेंट है या सिर्फ मारुति के अंदर बड़ी गाड़ी चाहिए थी? नहीं नहीं, मेरी 7 सीटर की ही रिक्वायरमेंट है। मेरी फैमिली में ऑलरेडी 6 हम लोग हैं, और फिर बाकी ब्रदर वगैरह भी हैं, या जैसे बच्चे हैं तो फिर इनके होता है, तो फैमिली में और भी पर्सन होते हैं, तो उनके साथ फिर अगर उनके इकट्ठा जाना हो तो 2 गाड़ी उठाने से अच्छा एक गाड़ी में एडजस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, डिसीजन तो इन्होंने समझदारी वाला लिया है, समझदारी वाला ही लेंगे, क्योंकि इन्होंने पुरानी जो वैगन आर भी रखी है, जो केजरीवाल ने रखी हुई है। सीएम रख सकता है तो मैं भी रख सकता हूं। तो ये बताइए कि ऑन रोड कितने की पड़ी थी आपको? ऑन रोड मेरे को 950 की पड़ी थी। अच्छा। 950,000 की। कोई डिस्काउंट वगैरह था उस टाइम? नहीं, उस टाइम कोई डिस्काउंट नहीं है, मेरे ख्याल से आज की डेट में भी शायद डिस्काउंट नहीं है, अभी मारुति ने स्टार्ट किया है। आपको नहीं लगा था कि BS6 लेनी चाहिए थी या BS4 इज ओके? नहीं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी मेरे को तो गाड़ी चेंज करना ही था उस टाइम, और उस टाइम मैं वेट करने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि मेरे को गाड़ी नेसेसिटी है एक। वैसे एक बात बताओ कि वैगन आर जाते जाते कुछ देखे गई या मतलब नहीं, ऐसे वो तो फ्री वाला हिसाब है तो। 15 साल बाद है, 15 साल बाद तो उसके जो जान निकल चुकी थी। वैसे मुझे लग रहा है ये भी आप 15 साल तक चलाना चाहेंगे? नहीं, ऑप्शन तो नहीं है, खैर जल्दी चेंज करने का अभी तो नहीं है, लेकिन 2-4-5 साल में तो चेंज करना है मुझे। 15 साल होगी आपको मारुति चलाते चलाते, उनकी सर्विस में कोई चेंजेस नज़र आए आपको कि हाँ भी वो टाइम के साथ बदले हैं, नहीं बदले हैं कि क्या? नहीं, ग्रेजुअली उन्होंने इम्प्रूव तो किया है, नो डाउट सर्विस सेंटर्स ने इम्प्रूव किया है, पहले से ज़्यादा आपकी केयर करते हैं नो डाउट। और आपका पहले सर्विस सेंटर्स में और आज के सर्विस सेंटर्स में आप कह सकते हो इम्प्रूवमेंट है नो डाउट, पहले इतनी ज़्यादा केयर नहीं होती थी, लेकिन अब सर्विस सेंटर पे काफ़ी केयर होने लगी है, उन्होंने वेटिंग एरियाज भी अच्छे इम्प्रूव करे हैं, और आपको सर्विस अब डोर टू डोर जो हमने
और पिक एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी करी है साथ में आप, मैं तो अभी तक जो करी है सर एक ही बार लेके गया हूँ सर्विस पे, बाकी वरना होम पिक है और होम ड्रॉप है, सर्विस ले रहा हूँ मैं उनकी। ये बताइए कि उस टाइम पे जब आपने वैगनार ली थी 2004 में ली थी शायद आपने, उस टाइम पे इतनी बातें नहीं चलती थी कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस टाइम पे हर जगह आपको सुनने को मिलता होगा कि जो मारुति की बिल्ड क्वालिटी है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको क्या लगता है? ये बात बिल्कुल ठीक है, मारुति की बिल्ड इन क्वालिटी में, उसमें आना भी चाहता था कि बिल्ड इन क्वालिटी में उसमें काफ़ी उन्होंने अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, खासकर आगे पीछे के जो बम्पर्स और मडगार्ड हैं इन पर उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। कल वैसे कल का ये है कि कल एक स्कूटर वाले ने पीछे से, मैंने ब्रेक लगाई आगे वाले के, पीछे वाले स्कूटर से उसने पुश मारा, टच छूट नुकसान नहीं हुआ लेकिन थोड़े से भाई सब बाहर आ गए। तो आप अपनी वैगनार की जो बॉडी की क्वालिटी थी और इसका अगर कंपैरिजन करते हैं तो किसकी ज़्यादा मजबूत थी? वो वैगनार ज़्यादा मजबूत थी। माइलेज की बात कर रहे थे, 1.5 लीटर का इंजन है, माइलेज कितना निकाल पाता है? माइलेज इसने एक ही बार 16.2 निकाला एक ही दिन, एक में उसी टाइम नोट किया था। वैसे यूजली हम जैसे जयपुर तक भी गया और इधर उत्तराखंड की तरफ भी गया तो नॉन ऑन एवरेज 14.5 था, 14.5 के फुल लोड के साथ, फुल लोड के साथ। तो और आप ये कह सकते हैं हाईवेज पे भी था, सब कुछ था, विदेशी भी चल रहा था उसमें ये, लेकिन ये से अच्छे पीक आप कह सकते हो समर में निकाला है 14.5 और विंटर में 16 निकाल दिया था। साल भर हो गया चलाते हुए, भले ही थोड़ी सी कम चली हो लेकिन आपको ये तो है या नहीं है कि भाई हाँ ये सही डिसीजन है आपका या गलत डिसीजन? नहीं नहीं, अभी तक मैं कह सकता हूँ मेरा सही डिसीजन था, क्योंकि कंफर्टेबल वाइज बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया गाड़ी है। आप 4-5 घंटे आप कंटिन्यूसली पे ड्राइव भी करते हो, मैं नॉन स्टॉप फुलेरा से जयपुर के आगे है, नॉन स्टॉप मैं रात को आया हूँ और मेरे को टायर्डनेस बिल्कुल फील नहीं हुई है। एट अ स्टेज मैंने 4-5 आवर्स ड्राइव किया था, मैं फिर भी फ्रेश था और मुझे नहीं लगा कि मैं 5 घंटे गाड़ी ड्राइव करके आया। रात में भी चलाई है? रात में ही चलाई है। अच्छा, रात में ही चलाई है। हम शाम को वहाँ से, ये शाम को हम 6 बजे वहाँ से चले थे और इस सर्दियाँ थी तब, तो रात को 11:30 बजे हम आए हैं, तो अब तक बिल्कुल फ्रेश था और कोई विजिबिलिटी वाइज प्रॉब्लम नहीं है और फीचर्स वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने पैसे उन्होंने मेरे से लिए हिसाब से फीचर्स अच्छे दे रखे हैं। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 7-सीटर गाड़ी ली है, तो इन 7 सीटों का कभी एक साथ यूज़ किया है, मतलब कि सारे लोग बैठे हैं इसके अंदर अभी और उसके बाद चला करके देखा कि गाड़ी दबती है या नहीं दबती है? क्या आपका नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, गाड़ी अच्छी पिकअप में थी और इंजन वाइज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इवन हाईवेज पे भी। हम बस ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे आप खाली गाड़ी चलाते हैं अकेले, उसके बाद जो है फुल लोड में कुछ बिहेवियर में अंतर आता है, जैसे कि इंजन का दबना वगैरह, परफॉर्मेंस में कमी आना, ऐसा कुछ? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं पड़ा। अच्छा, नॉर्मल चल रहा हूँ, क्योंकि हाईवे पे तो देखिए वैसे ही जब आप 70-80 की स्पीड पे जा रहे होते हैं तो उतना नहीं पता चलता आपको, मतलब क्योंकि वो तब आप ऑलरेडी मोशन में होते हो। ये अगर आपको जज है तो एक बार लोकल में जा रहा पता चलता है, और लोकल में ऐसा आपको कभी पता नहीं है, लोकल में वैसे ही इतना ट्रैफिक रहता है तो यहाँ कहाँ पता चलेगा, बताइए। बिल्कुल। और थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस के लिए कोई दिक्कत आई अभी तक आप? नहीं, अभी तक नहीं आई है ग्राउंड क्लियरेंस, अभी इवन 7 आदमी बैठने के बाद भी ग्राउंड क्लियरेंस में दिक्कत नहीं आई है। तो बहरहाल इतने ही एक्सपीरियंस से आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि क्या ये गाड़ी लेना वर्थ है इतने लाख के अंदर, या कोई और भी ऑप्शन वो देख सकते हैं? मेरे ख्याल से अभी तक जो मैं आजकल भी देख रहा हूँ मार्केट कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल से इस प्राइस टैग में दूसरा व्हीकल अवेलेबल नहीं है 7-सीटर, और अगर है भी तो वो इतनी पिकअप, इतनी उस माइल उसके साथ नहीं है जो पावर के साथ, तो मेरे ख्याल ये अपने सेगमेंट में शायद इस टाइम अकेली ही है और इसीलिए शायद अभी तक वेटिंग चल रही है इसके ऊपर। तो मतलब अगर आप लोगों को 7-सीटर का रिक्वायरमेंट है एक्चुअल के अंदर तो ये गाड़ी के ऊपर आप मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, एक्सेप्ट के हुई जो आपको जो जैसे आपने कहा कि बॉडी काफ़ी कंप्रोमाइज हो गई है उसके वो एक पॉइंट जरूर है, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और 7-सीटर में वैसे भी आपको पता है लगेज की प्रॉब्लम तो होती होती है, आप अगर 7 आदमी बैठे हैं और लगेज रखना चाह रहे हैं तो आपको फिर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली आपको। उस टाइम पे क्या होता है कि अपना अपना सामान लेके हाथ में नहीं गोद में रखना पड़ेगा आपको। टू व्हीलर ने कभी तक हमें ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ, बाई चांस जब हम गए तो तब विंटर नहीं था, समर में था तो लगेज वैसे ही कम रहता थोड़ा सा। अच्छा, ये बाती की आप लोगों को नॉइस सुनाई दे रही होंगी, तो हम लोग रोड के साइड में है, दिल्ली में भाई साहब खाली जगह ढूंढना जो है वो बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं हम लोग। बाकी इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन का सोच रहे हो कि यार ये फीचर और होता तो मजा आता गाड़ी में? मेरे ख्याल से जब हम एक ड्राइव करते हैं
तो कंसंट्रेशन ड्राइविंग पे ज़्यादा होती है, फीचर्स उतने ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा आप इसमें वही एड ऑन करवा सकते हैं, इसमें इनबिल्ट आपका मैप नहीं है, तो वो अगर कंपनी दे दे इसी उसमें प्राइस टैग में तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से। आजकल सबको मस्ट कर देना चाहिए कि बिल्ट इन फीचर दे दे तो अच्छा है। सर्विस कॉस्ट अभी मेरी थर्ड सर्विस हुई है तो 1400 बिल था मेरा। ये शायद आपकी लेबर फ्री वाली रही होगी। हाँ, थर्ड जो लास्ट मेरी सर्विस थी, थर्ड फ्री सर्विस थी। फर्स्ट 1000 पे, सेकंड 5000, थर्ड 10000 पे, लेकिन मेरी थर्ड हुई है तो उसमें 1400 बिल था मेरा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो अच्छी लगी होगी। जो भी था, जैसा भी था, आपके सामने पेश किया कि क्या चीज़ गाड़ी के अंदर अच्छी है जिसकी वजह से इन्होंने गाड़ी को चूज़ किया, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इसको मतलब कि ना भी लें। दोनों तरह की चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जो है ज़रूर दबा दीजिएगा। और इसी मैसेज के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो नहीं, अगर फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाना, और टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। ओके, जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे ईमेल आईडी होगी और ये इंस्टा आईडी जो आपको स्क्रीन में दिख रही है वहाँ पर आप डीएम भी कर सकते हैं। जी, कोशिश करेंगे कि आपको भी फीचर करें। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू डियर, नाइस मीटिंग यू। सेम यार।